अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे किचन में आज बन रहे मज़ेदार से गोपी चिकन। जिन लोगों को सब्ज़ी नहीं भी पसंद वो भी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। यहाँ मैंने लिए चिकन, मेरे पास मतलब बोनलेस चिकन नहीं था, ये मैंने ब्रेस्ट फिले लिए हैं, इनको मैं पीस में काटूंगी। ठीक है, ये मैंने पीस निकाला है, इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारे पास छोटे छोटे इतने इतने पीसेस में मैंने काट लिया। उसके बाद हम लोग इसको ये लेंगे, एक गोभी लेंगे, उसको भी सेम छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। ये हमारे पास गोभी है, इसको हम सेम ऐसे ही काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। ये देखिए, ये हम लोगों ने इस इतने तकरीबन इस साइज़ में गोभी काट लिया। चलिए जी, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसमें जो हमें चाहिए होगा वो होंगे कुछ स्पाइसेस होंगे और चॉप्ड जिंजर गार्लिक। ये एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया, इसमें अब मैं चिकन ऐड करूंगी। ये मैंने अपना सारा चिकन इसमें ऐड कर दिया। इसमें मैं ऐड कर लूंगी चॉप्ड जिंजर गार्लिक, इसको अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको कवर करके 5 to 10 मिनट्स पकने दूंगी ताकि ये चिकन जो है हमारा ये नरम हो जाए। अब ना मैं इसको कवर कर लेती हूँ और 5 to 10 मिनट्स तक इसको पकने देती हूँ। ये हो गया हमारे पास नरम हो गया चिकन। इसमें अब हम ऐड करते हैं कुछ स्पाइसेस। ये बहुत मज़े की है, इस ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, तो ये हो गया चिकन हमारा नरम हो गया। अब इसमें हम लोग अपने कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। मेरे पास एक क्रश रेड चिली मैं ऐड कर देती हूँ और ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ। मेरे पास ब्लैक पेपर है, यह ऐड कर देती हूँ। और थोड़ा सा हम इसमें सिरका ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इनको हम 1 to 2 मिनट्स के लिए ऐसे पका लेते हैं। इसके बाद हम इस पे अब गोभी ऐड करेंगे अपनी, और एंड में हम लोग थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है, आप ज़्यादा डालना चाहते हो तो ज़्यादा डाल सकते। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। जिन लोगों को सब्ज़ी नहीं पसंद वो भी बहुत शौक से खाएंगे। जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देते हैं और इसको कवर कर देते हैं। इसको तकरीबन हम लोग 5 to 10 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। ये हो गए हमारे 10 मिनट्स। अब इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही हम ऐड करते हैं शिमला मिर्च। मैंने तो आधी ले ली है क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा नहीं खाई जाती। जिन लोगों को शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद हो वो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी डाल दी और इसको अब दोबारा कवर कर लें। अब इसको हम दोबारा से कवर कर लेंगे।
अभी हम इसमें थोड़े से सॉल्ट ऐड कर देते हैं। हमारी सब्जी बस रेडी होने वाली है। हमारी सब्जी होगी बिल्कुल रेडी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।